नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज पहुंचे हैं हरियाणा के जींद शहर में और जींद विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। यहां पर इनेलो के विधायक थे हरिचंद मिड्डा, उनकी मृत्यु हो गई और उनके निधन के बाद में सीट खाली हुई और उसके बाद में इस सीट पर जो है उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन ये उपचुनाव बेहद खास है। क्यों खास है? क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल पास है, तो इसीलिए इस चुनाव को जो है आज कवर करने के लिए पहुंचे हैं और आपको दिखाएंगे जनता की राय क्या है, जनता किसके साथ में है। आपको बता दूं कि यहां से जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को उम्मीदवार बनाया है, वहीं बीजेपी ने हरिचंद मिड्डा के बेटे कृष्ण मिड्डा को उम्मीदवार बनाया है और जेजेपी इनेलो जो यहाँ पर एक क्षेत्रीय पार्टी है उसमें दो फाड़ हुई और उसके बाद में नई पार्टी बनी। चाचा भतीजे की जो लड़ाई हुई उसके बाद में नई पार्टी बनी, जेजेपी बनी और जेजेपी ने जो है दिग्विजय चौटाला अपने छोटे भाई को जो है दुष्यंत चौटाला ने उम्मीदवार बनाया है और राजकुमार सैनी भी यहाँ पर जो है खेल में है। राजकुमार सैनी की LSP लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी, वो भी चुनाव लड़ रही है टेम्पो चुनाव चिन्ह के चुनाव चिन्ह पर। तो लोगों की राय दिखाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो है दिग्विजय चौटाला का जो है यहाँ पर बूथ है, ये कांग्रेस का है, वहाँ LSP का है और ये इधर जो है बीजेपी का बूथ है। तो अलग जो है पूरी शहर में जाएंगे, पूरे गांव में, अलग अलग गांव में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आम जनता की राय क्या है। देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके अपने चैनल ऑनलाइन न्यूज इंडिया को भी सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्या रुझान नजर आ रहा है जींद में? जींद में कांग्रेस दिग्विजय सिंह की पार्टी के आपस में फाइट है। अच्छा, मिड्डा तीसरे नंबर दिख रहा है, बीजेपी तीसरे नंबर पर आप कह रहे हैं। व्यापारी है, नेताजी है, क्या है आप? व्यापारी हम नहीं, नेतागिरी का बेरा, व्यापारी हम तो। व्यापारी है, ये आपकी दुकान है? ये भाई योगेश पटेल। अच्छा, उसकी दुकान है। चर्चा चल रही है, लेकिन चर्चा चल रही है। हाँ, ये तो बीसी का चौथा बैठा है। तो आप कह रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला और जेजेपी की टक्कर है? हाँ जी, खींच कटो। अच्छा, यहाँ इस मंडी एरिया में, मंडी एरिया के बाहर है हम सिर्फ। अच्छा, निकालेगा कौन सीट को? हमारे हिसाब से तो लोग सुरजेवाला रुका पड़े हैं, मामला है ये। आखिर में जीतेगा कौन है इसका कोई विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन जो ये भारी उम्मीदवार का ठप्पा था जो दिग्विजय सिंह के ऊपर या सुरजेवाला के पास, उसको जनता ने नकार दिया है। और जैसे कि उन्होंने नई पार्टी बनाई थी उस हिसाब से लोगों ने उनका काफ़ी साथ दिया है, लेकिन जीतेगा कौन इस बारे में कोई विश्वास नहीं कह सकते। बात दिग्विजय की आगे होने की, हमें कुछ ऐसा लगा, हमने जलसा सुना था केजरीवाल का मंडी में गए थे, हमारा पहले विचार दिग्विजय के लिए बहुत कम था। अरविंद केजरीवाल को सुन के हमारा भी और लोगों का भी बहुत विचार बदले हैं, उस वजह से हमें लग रहा है भी हो सकता है दिग्विजय आगे निकल जाए। अच्छा, इससे बहुत फर्क पड़ा है केजरीवाल के आने से दिग्विजय के इलेक्शन पे। तो आप कह रहे हैं कि सुरजेवाला दूसरे नंबर पर रहेंगे? सुरजेवाला दूसरे पर रहेगा। अच्छा, लेकिन इलेक्शन फंसा हुआ सा नजर आ रहा है कुछ? हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन कुछ वोटर बोल भी नहीं रहे। चुनाव आपको कैसा नजर आ रहा है? कुछ एक तरफा नजर आ रहा है, फंसा हुआ नजर आ रहा है? मिला जुला सर है जी। हाँ। कहीं कहीं गांव में दिग्विजय सिंह आगे है, कहीं कहीं पे बीजेपी आगे है, लेकिन देहात में बीजेपी नहीं है, शहर में है बीजेपी का वोट बहुत, लेकिन तीन भागों में बट गया पार्टी, जातिवादी का चक्कर पड़ गया, इसमें वोटों का भाग हो गया। आपको क्या लग रहा है, किसका रुझान दिख रहा है आपको? देखो, सबसे पहले तो दिग्विजय सिंह का भारी पड़ रहा है। अच्छा, और दूसरे नंबर पे सुरजेवाला। अच्छा, बीजेपी तीसरे नंबर पे? आप बीजेपी तीसरे नंबर पे। बताइए जी, क्या रुझान लग रहा है? बढ़िया भाई साहब, बढ़िया। रुझान क्या लग रहा है? सुरजेवाला जीता है जी। अच्छा, जीता जी। दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? चौटाला जी। अच्छा, हाँ बताइए जी, क्या रुझान? सुरजेवाला आगे लग रहा है जी। अच्छा, हाँ जी, दिग्विजय चौटाला और सुरजेवाला में टक्कर है, मिड्डा जी तीसरे नंबर पे। अच्छा, क्या रुझान दिख रहा है जी? जी, शहर में कांग्रेस और ये बीजेपी है, और ये क्या नाम अपना, क्या नाम है इसका यार, टेम्पो वाला, हाँ, राजकुमार सैनी जो है बीजेपी को हरा रहा है, इसलिए कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि गाँव में भी कांग्रेस की वोट है और शहर में भी कांग्रेस की वोट है, और कांग्रेस का रुझान ज्यादा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। आपको क्या रुझान नजर आ रहा है जी? यही बात है जी, यही हमारे बूथ पर कांग्रेस की ज्यादा है, हमारे जो एरिया है। आपको किस किस में टक्कर नजर आ रही है? यहाँ शहर में जी, शहर में कांग्रेस की मिल रही है, गाँव में, गाँव में दुष्यंत की मिल रही है। अच्छा, निकल के कौन जाएगा? निकलने का तो क्या बेटा जी, अंदर खाने का निकलेगी जी, कांग्रेस की दोनों जगह कांग्रेस निकलेगी जी, कांग्रेस निकलेगी। अच्छा, क्यों जी? क्योंकि जी कथल की जी विकास होगा जी यहाँ भी। अच्छा, हाँ हाँ बताइए, कांग्रेस ही जीतेगी? अच्छा, क्योंकि कैथल के अंदर विकास देखते हुए हमने कांग्रेस को वोट दी है और कांग्रेस को ही हम चाहते हैं। वोट डाल दिया आपने? हाँ डाल दिया। दिखाइए उंगली, दिखाइए।
अच्छा चलिए, क्या रुझान नजर आ रहा है जी बताइए? बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतेगी, विकास कार्य ये बहुमत का तो यहाँ पे सवाल है। बीजेपी पूर्ण जीतेगी, आप खड़े ना, कभी एक्शन नहीं लगवाई। सुरजेवाला आ गया, जेपी आ गया, मंगल गुप्ता आ गया, दुमका वीरेंद्र आ गया। जींद में विकास नाम की इन लोगों ने कोई चीज नहीं की, अगर की है बीजेपी ने की है। जेजेपी हाँ, युवा नेता है, बढ़िया लड़का है, काम करेगा, उम्मीद है युवा तबका नक्सता है, अच्छे काम करेगा, अच्छे रोजगार देगा, अच्छी नीति लेगा होगा, अच्छा काम देगा। फाइट देख रहे हैं आप? हम तो किसी के लागू नहीं, 20,000-22,000 वोटा दे इसकी जीतने की उम्मीद ले रहे हैं भाई लोग। जीता रुझान क्या नजर आ रहा बताइए? मतलब बीजेपी का और दुष्यंत पटवाड़ेगा दो, तो इन इनका मुकाबला है कोई सा पंचो बराबर बराबर आप देख कह रहे हैं ज्यादा बीजेपी का, जो ज्यादा बीजेपी का। बताइए क्या रुझान नजर आ रहा है आपको? देखिए सुबह से लेकर शाम तक अब सभी वार्डो में घूम के आ रहे हैं, गांव में भी देख कर आ रहे हैं। जो यहाँ पे रुझान लोग बता रहे हैं इससे उलट रुझान चल रहा है, वहाँ पर बीजेपी के बूथ खाली पड़े हैं। लोग वहाँ पर जा नहीं रहे क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि 4.5 साल के अंदर अगर बीजेपी सत्ता में थी, सेंटर में थी, तो उन्होंने वोट क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं दी क्योंकि यहाँ पर लोगों का विकास नहीं हुआ। लिपा पोती करके जो टाइलें लगाई जा रही है, आपको किसका रुझान दिख रहा है? कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस का रुझान दिख रहा है। अच्छा, रणदीप सुरजेवाला बनेगा, उसे जैसे कैथल चमकाया है वैसे ही जींद चमकाएगा। कांग्रेस जीतेगी जी, कांग्रेस क्यों? रणदीप सुरजेवाला कैथल की जैसे विकास होगा जी यहाँ भी। अच्छा, जो पिछड़ापन है वो दूर करेंगे। आज से 26 साल लोग तो ये कह रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला भारी है, भारी खट्टर खट्टर भी तो भारी है जी, कर्नाटक से जाकर जीत रहे हैं। अच्छा, खट्टर भी तो रोहतक से है। अच्छा, ये भारी भीतर वाला तो वैसे वो है जी, ऐसी कोई सिस्टम क्या लग रहा है? दूसरे नंबर पर फिर कौन सी पार्टी रहेगी? दूसरे नंबर पर तो क्या कह सकते हैं जी, कुछ भी नहीं कह सकते दूसरे। अच्छा, कांग्रेस एक नंबर पे आएगी। बताइए जी क्या रुझान है, क्या रुझान है बताइए जी? कांग्रेस जीतेगी 100%। अच्छा, जेजेपी दूसरे नंबर पर, जेजेपी दूसरे नंबर पे। क्या रुझान है जी बताइए? बीजेपी सरकार जीतेगी, डॉक्टर मिर्जा पूरा शहर के अंदर पूरा रोब है, ठीक है जी? ठीक है, चलिए और लोग बाबा क्या रुझान है बताइए? रुझान तो दुष्यंत जीत रहे हैं जिसमें तो कोई शक नहीं, दुष्यंत जी का एक नंबर एक पे। अच्छा, दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे तो इनकी टक्कर आसरी की, इसकी भी। क्या रुझान लग रहा है यहाँ तो जी? जेजेपी का रुझान ज्यादा लग रहा है। जेजेपी है जी, यहाँ तो जेजेपी 15,000 वोटों जीतेगी यहाँ। क्या रुझान है जी? बीजेपी का है जी रुझान, बीजेपी का। अच्छा, दूसरी टक्कर किसके साथ देख रहे हैं? दिग्विजय सिंह के साथ। दिग्विजय सिंह के साथ? दिग्विजय सिंह के साथ। आप टक्कर किसके साथ? टक्कर हम भी बीजेपी के साथ ही है, गौर सरकार के साथ है। किसका रुझान दिख रहा है? भाई साहब फाइट है, एक तरफा किसी कोई इस टाइम एक तरफा किसी की भी जीत नहीं है। अच्छा, ना किसी ने माननी चाहिए एक तरफा जीत किसी को भी। अच्छा, किसी भी कैंडिडेट को वो 31 तारीख को पता चलेगा। फाइट है, फाइट चारों के बीच में है। अच्छा, कांग्रेस, बीजेपी और ये राजकुमार सैनी और जेजेपी, इन चार जनों के बीच में फाइट है पूरी। आपका रुझान क्या कहता है? बस रुझान सबको पता है, भाई ने बता दिया जो नंबर लगा रहा, भाई ने बता दिया सब। सब आप कह रहे हैं सब लड़ाई में है, सब फाइट में है? बिल्कुल फाइट में है, मामला फंसा हुआ है। बिल्कुल फंसा हुआ है। तो जींद उपचुनाव को लेकर के पूरी कवरेज आपने देखी, तो आपको जींद विधानसभा में किसका रुझान नजर आ रहा है? क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या जेजेपी, क्या LSP? नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने चैनल ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर करें, इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।